नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, एनसीईआरटी प्रॉब्लम है वैसे तो, एग्जाम में भी आया हुआ है। नेक्स्ट लिखिएगा भी, डायग्राम साथ में लिया करो भाई। डायग्राम बनाओ जल्दी जल्दी से। ये बैटरी 10 वोल्ट का है, रेजिस्टेंस 1 ओम का है, ये 4 ओम का है, ये 2 ओम, ये भी 2 ओम, इट इज 4 ओम, इट इज 5 वोल्ट बैटरी भी, ठीक है। ये डायग्राम आपको गिवन है अभी, इसलिए कोई जो तो नहीं आपको डायरेक्ट बताने की कैसे है, वही डायग्राम बनाओ जो आप बुक में है अभी। बुक में ये बना रखा है इन्होंने, ये करंट है जो यहाँ से फ्लो कर रहा है, इट इज़ आई वन भी, ये करंट है, ये आई थ्री है अभी, डायरेक्शन ऑफ करंट मेन रहेंगी क्लास। ये करंट है जो है, इट इज आई वन माइनस आई थ्री भी, ये जो 2 ओम में जाएगा इट इज आई वन प्लस आई टू माइनस आई थ्री भी, ये वाला इट इज आई थ्री माइनस आई टू, ये वाला आई टू, ये वाला आई टू, ए बी ई डी, ये पॉइंट सी ले लेते हैं बीच वाला, निकालना क्या है, फाइंड द नेट करंट इन ईच ब्रांच में, फाइंड द नेट करंट इन ईच ब्रांच, आपको निकालना है फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच। अगर आपको वो पता चल जाए आई वन आई टू आई थ्री कितना है तो निकाल लोगे इजली, यस और ना, तो मेन काम क्या है मेरा, आई वन आई टू और आई थ्री निकालना, तीन वेरिएबल हैं भाई, तो कम से कम तीन इक्वेशन तो होने चाहिए, कम से कम तीन लूप तो होने चाहिए अभी, तो लूप बनाओ, पहला लूप भाई, इन द लूप कौन सा लूप बनाए, ए बी सी ए दिखाई दे रहा है, पहला लूप ए बी सी ए, पहले बैटरी चेक करो, ए से भी बैटरी नहीं है, बी से सी बैटरी नहीं है, सी से ए बैटरी है, कौन सी 10 वोल्ट का, प्लस की माइनस भी, माइनस भी, सही है, यस और नो, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, कौन सा रेजिस्टेंस से, 4 ओम से, कौन सा करंट है I1 माइनस आई थ्री, प्लस की माइनस भी, प्लस, बी से सी 2 ओम का रेजिस्टेंस है, करंट कौन सा है I1 प्लस आई टू माइनस आई थ्री, प्लस की माइनस भी, प्लस, उसके बाद है सी से ए कौन सा करंट है I1, 1 ओम से फ्लो कर रहा है, प्लस की माइनस भी, प्लस, आंसर इज 0, यस और नो, सॉल्व करो जल्दी से, कितना आएगा माइनस 10 प्लस 4 I1 माइनस 4 आई थ्री प्लस 2 आई वन प्लस 2 आई टू माइनस 2 आई थ्री प्लस आई वन इक्वल टू 0 भी, यस सर नो, कितने आई वन हो गए, 7 है, 7 आई वन प्लस आई टू कितने भी, 2 आई टू, 2 ही हैं प्लस 2 आई टू, आई थ्री कितने, माइनस सिक्स आई थ्री इक्वल टू 10 कर दूं, फर्स्ट इक्वेशन भी चेक करो मैच कर रही है, 7 आई वन प्लस 2 आई टू माइनस 6 आई थ्री इक्वल टू 10 भी, यही है, कर पाओगे, सेकंड भी, इन द लूप अगेन ए सी डी ए दिखाई दे रही है, ए सी डी ए इन दिस लूप, कोई कंडीशन नहीं है, लूप कुछ भी लो मर्जी आपकी, आसान लीजिए आसान रहेगा, गुना करने में प्रॉब्लम हो जाएगी, यस सर ना, कितना आएगा भाई, पहले बैटरी चेक करो, ए से सी बैटरी है, कौन सी है, पॉजिटिव 10 वोल्ट और बाकी बैटरी नहीं है भाई, यहाँ से करंट है, कितना आएगा,
प्लस आई वन माइनस आई वन, माइनस आई वन, यहाँ पे भाई माइनस टू आई थ्री माइनस आई टू, यहाँ पे माइनस फोर आई थ्री इक्वल टू जीरो। सोल्व करना अभी इसको, आई वन है इसमें माइनस आई वन, आई टू है कितना हो गया प्लस टू आई टू, आई थ्री माइनस सिक्स आई थ्री इक्वल टू माइनस टेन भी। सेकेंड इक्वेशन क्या मैच कर रही है चेक करो एक बार, आई वन माइनस टू आई टू प्लस सिक्स आई थ्री इक्वल टू टेन, माइनस को मैंने कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, यही है क्या मैच करेगा। एक ये पूरी ले लेते हैं पूरी बैटरी के साथ भाई कंप्लीट, कितना आएगा इन द लूप, कौन सा लूप है ए बी ई डी ए, दिखाई दे रहा है ए बी ई डी हो जाएगा भाई, तो बताओ कितना आएगा। हाँ ले सकते हो कोई दिक्कत, कुछ भी ले लो, यहाँ पे बहुत कुछ करना पड़ेगा मेरे को, आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री गुणा भाग में पसंद कर लेते हैं ठीक है। अरे बैटरी भी आ जाएगी, अब तक बैटरी यूज नहीं हुई है। ओके कितना आएगा बताओ भाई, ए ई ए बी है क्या पहले ए बी, बैटरी प्लस की माइनस भी प्लस फाइव, बाकी बैटरी नहीं है कहीं पे भी, यहाँ पे कितना होगा फोर आई वन माइनस आई थ्री प्लस की माइनस भी प्लस, ये वाला प्लस का इसमें कोई नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे है कितना आएगा फोर आई थ्री माइनस का इक्वल टू जीरो भी। सॉल्व कीजिएगा कितना आएगा, फोर आई वन फोर फोर एट एट आई थ्री इक्वल टू माइनस फाइव, चेक करो भाई ये यही होगा। तीन इक्वेशन सोल्व कर पाओगे कैसे करोगे, पहले देखो कैसे करोगे, पहले दो में से क्या करोगे, पहले दो में से आई टू काट दो भाई, इस तरीके से भी पहले दो में से आई टू को काट दीजिए, कर सकते हो यस सर नो, तो आंसर मेरा आई वन आई थ्री में रह जाएगा, जो आंसर आएगा उसमें से आई वन आई थ्री निकाल लो इसके हेल्प से, तो आई वन भी आएगा आई थ्री की वैल्यू भी आएगी, पुट कर दो किसी एक में तो आई टू निकल जाएगी, यस सर नो, आफ्टर सॉल्विंग वी गेट द आंसर कितना आएगा, आई वन कितना है, आई वन इज इक्वल टू 2.5 एम्पीयर में, आई टू इज 1.875 बस सेम आई थ्री है ठीक है। देखिए इसमें डायग्राम आपको मिलेगा नहीं बनाना पड़ेगा, देखिए ए बैटरी ऑफ 10 वोल्ट, ए बैटरी ऑफ 10 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस द connected across the diagonally opposite corner of a cube having 12 resistance each of resistance 1 ohm each of resistance 10 ohm क्या लिखा था, ये बैटरी ऑफ 10 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस द डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ द क्यूबिकल नेटवर्क कंसिस्टिंग 12 रजिस्टर ईच ऑफ 1 ohm हो गया, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क एंड करंट इन द सर्किट, करंट इन द सर्किट कुछ नहीं किया इसके अलावा, डायग्राम खुद बनाना है, कैसे बनाओ एक क्यूब है क्लास, इसको बोलते हैं स्केलेटन क्यूब भी, इसमें सिर्फ एज सिर्फ क्या है वायर बना रखे हैं, इसका क्यूब बना रखा है, सिर्फ हड्डियां इसमें ना सब बोल सकते हैं, क्यों देखा होगा ये तो सिर्फ केस है ना, केस नहीं है सिर्फ वायर बना रहा है, वायर सिर्फ केस की इसका क्या नहीं मत में आया कि नहीं आया, तो
सारे सिंपल बुक्स यूज करेंगे तो दो बुक्स के ठीक है ना। तो ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये एल है, ये एम है, ये के है, ये एन है, सिंपल सारे बुक पढ़े। ओके ठीक है, एक क्यूब अभी क्लास जिसमें आपको क्या करना है, बैटरी जोड़नी है डायगनली अपोजिट कॉर्नर्स के ऊपर भी। कहाँ पे कौन से कॉर्नर होंगे बताइए मेरे को भी। क्या ये ए और एन डायगनली अपोजिट होंगे भी? चेक करो भी, किसको बोलते हैं इस कोने को और इस कोने को भी, दिया जाए डायगनली अपोजिट कॉर्नर्स भी। बैटरी जोड़ी गई इनके बीच में भी, और भी है कॉर्नर कुछ भी बना लो, ये भी तो है उसमें जोड़ लो कोई दिक्कत नहीं है। बैटरी कितने वोल्ट की है भाई? हैं 10 वोल्ट का। अभी इसको ई ले लूं भाई, ये आया इसमें कहीं पे सिंपल, इसको ई ले लेते हैं ठीक है। इससे करंट फ्लो कर रहा होगा? यस सर नो, उतना ही करंट यहाँ पे वापस आएगा बैटरी के पास। अब क्वेश्चन ये है कि करंट कैसे बनाना, देखो इसको थोड़ा सा ट्रिकी याद करना पड़ेगा क्वेश्चन को, वैसे तो मर्जी आपकी कैसे करो कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल देखिए क्वेश्चन को भी, डायरेक्शन ऑफ करंट को कैसे नापोगे। देखो यहाँ से करंट आया, मान लेते करंट आई आया भाई, अभी डायग्राम बनाना नहीं है आपको। मान लेते करंट कितना आया, आई, यहाँ पे करंट आई आया अभी, क्योंकि सारे रेजिस्टेंस बराबर ओम के हैं तो सभी बराबर करंट बटेगा। यह सर नो, करंट तीन भागों में बट गया अभी क्लास, कौन कौन से भाग हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे कितना करंट जाएगा, आई बाई थ्री, यहाँ पे कितना जाएगा, आई बाई थ्री, यहाँ पे कितना जाएगा, आई बाई थ्री, ये बात सही है। अब यहाँ पे जो आई बाई थ्री जा रहा है वो अगेन दो भागों में बट गया, कितना हुआ, आई बाई सिक्स, आई बाई सिक्स। अब दिक्कत है, आई बाई थ्री, आई बाई सिक्स करोगे आंसर पता नहीं क्या क्या बना निकलोगे तुम लोग। यस और नो, तो सिंपल सा इसको मैं सिक्स आई मान लूँगी कि मेरा सिक्स आई करंट जा रहा है। यस और नो, तो यहाँ पे कितना बटेगा, आसानी के लिए किया सर ये याद कर लो बस, क्या दिक्कत है, कुछ मुश्किल है क्या? ठीक है, अब यहाँ पे कितना जाएगा, अब डायग्राम ध्यान से देखिए, बाद में बनाना डायग्राम आपको। यहाँ पे आई वन आई जा रहा है, टू आई, यहाँ पे करंट गया भाई, और यहाँ पे गया कितना करंट गया, यहाँ पे और यहाँ पे आई, सेम ये करंट जा रहा है टू आई, ये बट गया, फिर यहाँ पे कितना गया आई, यहाँ पे कितना गया आई, एनी प्रॉब्लम भाई? ये करंट जा रहा है, यहाँ पे कितना गया आई, यहाँ पे कितना गया, एनी प्रॉब्लम भाई? कर पाओगे? अब ये करंट देखिए, ये करंट आई नीचे जा रहा है और यहाँ से आई जा रहा है, मिलके कितना गया टू आई, एनी प्रॉब्लम भाई? ये करंट आई जा रहा है और ऊपर से आई आ रहा है, इसमें कितना गया टू आई, मिलके यस और नो? ये करंट आई जा रहा है, ये आई जा रहा है, मिक्स के कहाँ के कहाँ पे गया टू आई, टू आई यहाँ से आया, टू आई यहाँ से आया, टू आई यहाँ से, कितना मिला? डायग्राम सही है मेरा, डायग्राम बनाओ। इन द लूप ए एल के एन ई ए, ए एल के एन ई ए, बैटरी उसमें ऐसे, तो ये भी तो वही है, ये छोटा बन गया, छोटा बना, बना ले भाई, बन गया। यस सर नो, बैटरी चेक करो पहले, तो बैटरी प्लस की माइनस की भी, अरे बताओ जल्दी से, प्लस की माइनस की, यहाँ से शुरू करो, बैटरी है, बैटरी है, बैटरी है, यहाँ बैटरी है भाई, तो माइनस ई, अभी माइनस ई लेता हूँ बैटरी, 10 वोल्ट नहीं यूज़ कर रहा हूँ इसको, कितना है माइनस ई, हो गया कंप्लीट। अब यहाँ से चलो भाई, कितना रेजिस्टेंस है आर, सभी के बराबर हैं, आर ले लेता हूँ, वो नॉम का, वैसे तो मेरे को पता वो नॉम का है, आर लिया, कितना करंट फ्लो कर रहा है टू आई, प्लस की माइनस भी, प्लस यहाँ पे भाई आर, कितना करंट फ्लो कर रहा है आई, प्लस की माइनस भी, प्लस यहाँ पे आई इंटू टू आई, प्लस की माइनस भी, इक्वल टू जीरो। कहाँ पे, ये वाला आर, सही है यस और नो? कितना आंसर हो गया भाई, माइनस ई इज इक्वल टू टू आई वन, आई वन कितना हो गया भाई, ये
फाइव हो गया, फाइव पे क्या हो, पाँच हो गया ना, प्लस कितना आया, फाइव आर आई इक्वल टू जीरो, सही है कि नहीं है? ले सकता हूँ मैं फाइव आर आई इज इक्वल टू ई वी, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, एक ही कभी बना नहीं है हमको इक्वेशन वैसे भी, कर पाओगे यस और नो? अभी निकालो कैसे इसकी वैल्यू को, तो क्या निकला, क्या निकालना है, कितना आया इसमें, है कहीं आर नेट आ रहा है इसमें कहीं पे, नेट आ रहा है इसमें कहीं पे, तो वही तो निकालना है, है नहीं इसमें डायग्राम में कहाँ नेट आ रहा है, तो स्मॉल आ रहा भाई, एक ब्रांच का रेजिस्टेंस है, तो ई निकल जाएगा या आई निकल जाएगा, आई निकल जाएगा भाई, यस और नो? मान लेते हैं भाई, लेट आर इज द टोटल रेजिस्टेंस, ये पहली बार कर रहे हैं हम लोग, टोटल रेजिस्टेंस आर क्या मेरा, ये निकालना मेरे को, आर क्या है, टोटल रेजिस्टेंस, इस पूरे का आर है, यस और नो? तो पूरे का करंट सिक्स आई है, यस और नो? तो पूरे की वोल्टेज कितनी होगी, इज इक्वल टू कितना, आई आर होता है भाई, तो आई कितना, सिक्स आई, आर कितना है, आर इक्वेशन सेकंड, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इस पूरे का कितना रेजिस्टेंस है, मान लेता हूँ आर है भाई, निकालना है, यस और नो? कितनी वोल्टेज है इसकी, ई, कितना करंट है इसका, सिक्स आई, तो वी इज इक्वल टू आई आर, यस और नो? दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दीजिएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, भी दोनों के रेट बराबर हैं, दोनों के लिए 10 वोल्ट है आंसर्स भी, तो लेट बराबर होनी चाहिए, तो कितना आंसर आएगा, 6i r इज इक्वल टू कितना, 5ri, आई से आई काट दूँ, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r, 5i 6r, आंसर इज कंप्लीट। नेक्स्ट एग्जांपल लिखिएगा, 12 इक्वल वायर each of resistance r ohm, small r लिख दीजिएगा, r ohm form a cube, बुक में वर्ड यूज किया गया, form a skeleton cube, ड्रॉ करेंगे इस वर्ड से, क्या है ये, सिर्फ कौन क्या है, सिर्फ वायर लगा रखी, फेज नहीं है इसके, ठीक है, find the resistance between corner of the same edge, corner of the same edge, क्वेश्चन तो सॉल्व उससे भी होंगे जो माई लेकर चलेंगे, तो उससे सॉल्व हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी पड़ेगा, और जब गुणा भाग करोगे ना उनमें गलती हो जाएंगी आपसे, तुम्हारे पास एक क्यूब है भी, वीडियो चल रही है, हमारे पास एक क्यूब है जिसमें 12 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, 12 है ना भाई, 4 4 8 8 4 12, ओके, तो ये यहाँ पे जोड़ा हुआ है, कॉर्नर्स के साथ जोड़ा हुआ है, एक एज के कॉर्नर पे बैटरी जोड़ी हुई है, सही है क्या? मेरे पास करंट कौन सा है, I+2I1, कौन सा करंट जा रहा है, I+2I1, सही है, यस और नो? तो आपको, आप ये इक्वल टू आई है भाई, क्या दिक्कत है, मेरी करंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मैं कैसे बांटू करंट को मेरी मर्जी से भाई, ये आई है, ये तो आई है, कुछ भी बना लो आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई से निकाल लो, उससे भी निकल जाएगा आंसर, निकलेगा उससे भी, कोई वो नहीं है, ये तो करंट है, बैटरी से निकल रहा है, इसको मैंने कुछ वैल्यू बना दिया, तोड़ के बना दिया आंसर्स भाई, क्या दिक्कत रहेगी, ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या करंट बटेगा, ये मान लिया मैंने, क्योंकि ये अकेला आई है, ये यहाँ पे क्या चला गया, जरा पाई चला गया होगा भाई, इसके पास कौन सा चला गया होगा, I1, इसके पास I1, हो गया मेरा थोड़ा सा ईजी होगा टॉपिक, और अभी मुश्किल टॉपिक बनने वाला है, क्यों, और इस अच्छा रहता है इसको 4I1 मान लेता, और भी अच्छा टॉपिक बन जाता, बुक में तो 2I1 से लिखा हुआ है, 4I1 से क्यों मानते, ये 2I1 होता है, ये 2I1 होता है, यहाँ पे I1, यहाँ पे I1,
और आसान टॉपिक बनता है इससे, लेकिन वो कोई ऐसा नहीं कर रहा था, हम वही नहीं कर रहे, हम मुश्किल करें थोड़ा सा, है ना, नहीं मानेंगे। यहाँ पे भी कुछ तो करंट जाएगा, यहाँ पे भी कुछ करंट जाएगा, यानी आई वन बटेगा भाई, सीधी सी बात है, ये सर ना आई वन क्या होगा, बटेगा यहाँ पे आके। यहाँ पे अगर मैं आई टू मान लेता हूँ कि आई टू करंट जा रहा है, यहाँ पे कितना जाएगा, आई वन माइनस आई टू, आई वन माइनस ए आई टू, समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया। अरे यहाँ पे ये आई वन बटेगा नहीं, इसमें जाएगा कुछ, इसमें जाएगा, मान लेते इसमें कितना गया, आई टू गया होगा, जितने ज़्यादा वेरिएबल बनाओगे उतना मुश्किल, इतना इक्वेशन बनानी पड़ेंगे आपको, उतना तो मुश्किल हो जाएगा टॉपिक आपको बताना है। ये चीज़ याद रखिए क्लास, मैक्सिमम इक्वेशन तो नहीं बन, तीन बनाइए भाई, तीन भी सोल्व होना मुश्किल होता है, कई बार चार बने तो पॉसिबल बन, तुम सोल्व नहीं हो पाएगा इक्वेशन चार, तुम सोचते होएंगे नहीं 1% भी, कोशिश करो कम से कम बनाने की भी। आप घर पर करना है इसको, 4i1 मान के चलना, देखेंगे इससे आसान बनेगा टॉपिक, ठीक है। लेकिन अब जो मान रहे हो मान रहे हैं भाई, यहाँ पे आई2 गया, यहाँ पे कितना गया, आई वन माइनस ए आई टू, यहाँ पे कितना गया भाई, आई वन, यहाँ पे क्योंकि सेम रेजिस्टेंस यूज करें, इसमें भी आई टू गया होगा, यहाँ पे भाई आई वन माइनस ए आई टू, समझ में आई बात है। अब यहाँ पे देखो कौन सा करंट आ रहा है इस ब्रांच से, आई वन माइनस आई टू, यहाँ से आई वन माइनस आई टू, इसमें कितना जाएगा, डबल हो गया इसका, 2i1 माइनस आई टू, यस सर नो, समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया। अब यहाँ से कौन सा करंट जा रहा है, यहाँ से आई डायरेक्ट पहुँच गया, कौन कौन से बच गए करंट वाले, यहाँ पे भाई यहाँ से देखो इसके पास जाना है डी के पास, सारा करंट डी के पास जाना है, डी के पास पहुँचाना है वो करंट, तो यहाँ से करंट जाएगा, इसके पास कितना करंट आएगा भाई, ये कितना करंट है, 2i1 माइनस आई टू, यहाँ पे फिर बट रहा है, कितना जाएगा यहाँ पे, i1 माइनस आई टू, यहाँ पे कितना जाएगा, i1 माइनस आई टू, सही है। यहाँ से आ रहा है i1 माइनस आई टू, यहाँ से आ रहा है i2, मिलके कितना जाएगा, i1, जोड़ के देख लो, i1 माइनस आई टू मिल्स को क्या जाएगा, i1, सही है। यहाँ से भाई कौन सा जा रहा है, i1 माइनस i2, यहाँ पे पहुँच गया सी के पास, सी पे यहाँ से कौन सा आ रहा है, i2, कितना बचेगा इसके पास, i1, यस और नो, डी पॉइंट पे क्या मिल रहा है, डी पॉइंट यहाँ से i आ रहा है, यहाँ से i1, यहाँ से i1, कितना मिला वापस, i+2i1, समझ में आया कि नहीं आया, सब इन द लूप, कौन सा लूप भाई, ABCDA दिख रहा है इसमें, i1 i2, इसी में तो आया था पहली बार, ठीक है। क्या कोई बैटरी जुड़ी हुई है इसमें, बैटरी वाला काम ही खत्म हो गया अभी, यस सर नो, तो हम A से B गए हैं, कितना रेजिस्टेंस है, R i1 प्लस का, प्लस R i2 प्लस R i1 माइनस IR इक्वल टू 0, चेक करो भाई, इसमें आई भी आ गया, आई वन भी आ गया, आई टू भी आ गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, सही लिखा है, ओके सही है, एनी प्रॉब्लम भाई। अब आपको कौन सा फेस दिख रहा है जिसमें मैक्सिमम करंट आई वन आई टू हो रहे हैं, देखो आपकी मर्जी से कोई भी फेस, ये बैक वाला फेस दिख रहा है, बैक वाला कौन सा फेस है, BCNM, देखो इसमें सब कुछ हो रहा है अभी, i1 i2 भी है, माइनस भी है, प्लस भी किया, सब कुछ किया हुआ इन्होंने, ये ले लेते हैं, अरे बता दो, yes, sir. तुम और ले लो भाई, आंसर निकालो उसके बाद, कौन सा है, BCNMB, सही है, BCNMB, क्या इसमें बैटरी जुड़ी हुई है कहीं पे बीच में, बैटरी वाला रोल ही खत्म हो गया अभी, बाकी करते हैं बात, बी से सी क्या लिखें, i2r यही है ना, माइनस i1 माइनस i2r माइनस 2i1 माइनस i2r माइनस
बहुत कुछ आ गया इसमें तो माइनस आई टू टू आर इक्वल टू जीरो। चेक करो क्या होना चाहिए, लिखा बी से सी आई टू आर प्लस का सी से डी सी से एन सी से एन माइनस का आई वन माइनस आई टू आर एन से एम माइनस का टू आई वन माइनस आई टू आर। ओके सोल्व करो इसको, कंप्लीट को सोल्व करो, कितना आएगा आंसर भाई? ऊपर आगे सोल्व करना था छोड़ दिया मैंने लोगों ने, चलो बाद में करेंगे इसको। इसको देखो भाई कितना हो गया, आई टू आर गुणा करो भाई माइनस आई वन आर प्लस आई टू आर भाई माइनस टू आई वन आर माइनस प्लस टू आई टू आर माइनस आई वन आर प्लस आई टू आर इक्वल टू जीरो। कितना आंसर आएगा चेक करो जल्दी से, आई वन वाले कितने पास हैं, आई वन एक तो आई वन ये रहा, एक आई वन ये रहा, एक आई वन ये रहा, कितने हो गए भाई, चार हो गए माइनस चार आई वन आर। आई टू वाले आई टू आर ये रहा, आई टू आर ये रहा और आई टू आर ये रहा, अभी सारे प्लस पॉजिटिव हैं, कितने हो गए फाइव हो गए प्लस फाइव आई टू आर इक्वल टू जीरो। इसको मैं लिख सकता हूँ आर कॉमन निकाल के माइनस फोर आई वन प्लस फाइव आई टू इक्वल टू जीरो, आर बार निकाल दिया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसा करते हैं इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लें भाई, कहाँगे फर्स्ट इक्वेशन सीयर ही, इसको सेकंड मान लेते हैं, उसको सोल्व करेंगे अभी, फर्स्ट को सोल्व करेंगे, फर्स्ट को सोल्व करो भाई क्लास, फर्स्ट को सोल्व कीजिए, कितना आएगा टू टू आई वन आर, ये हो गए कितने हो गए, दो हो गए तो ये हो गया टू आई वन, फर्स्ट को सोल्व कर रहा हूँ भाई फ्रॉम फर्स्ट, टू आई वन हो गया आई वन आर, आई टू कितने आर आई टू माइनस आई आर इक्वल टू जीरो, यहाँ से भी आर को बाहर निकाल लेते हैं, कितना बनेगा भाई टू आई वन प्लस आई टू इक्वल टू आई लिख सकता हूँ भाई, इसको फर्स्ट, इसको क्या माने, इसको फर्स्ट मान लो, ये सर नो, इसको ए मान लें, ए इक्वेशन है फ्रॉम ए, सोल्व कर पाओगे इनको फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, बता दो सोल्व तो तुम्हें करना पड़ेगा भाई फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, रब कर दें इसको। आई टू का वैल्यू कितना आया आंसर में, बुक से देख रहा हूँ मैं, बुक में इसका आंसर है फोर बाई फाइव आई वन, चले हो आया नहीं क्या, बुक में इसका आंसर है फोर बाई फाइव आई वन। हाँ जी, अरे सिंपल है, कहाँ गया फर्स्ट, ये रही व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई टू फ्रॉम सेकंड इक्वेशंस भी, अरे ये था कितना आंसर आएगा फोर बाई फाइव आई वन भाई, एक तो आ गया यानी की हो रहे है। यस सर कुछ समझ में आ रहा तुम लोगों को, यहाँ से निकल सकता है आई टू का वैल्यू, यस सर नो, पुटिंग इन द सेकंड इक्वेशन, सेकंड कहाँगे सॉरी पुटिंग द फर्स्ट इक्वेशन भी, फर्स्ट में रखो इसको, फर्स्ट में रखो, कितना आंसर आएगा टू पुट इन फर्स्ट, कितना आया टू आई वन प्लस फोर बाई फाइव आई वन इक्वल टू आई, वो तो बड़ी द वैल्यू ऑफ आई दस फोर्टीन बाई फाइव आई वन, फोर्टीन बाई फाइव है आई वन, आर क्या अभी रजिस्टेंस, अभी पूरा अभी आर क्या है टोटल रजिस्टेंस, भी समझ में आया कि नहीं आया, टोटल है रजिस्टेंस, तो वट इज द वैल्यू ऑफ ई, भी ई कितना आई आर होता है, इसका पूरा रजिस्टेंस कितना मान लिया मैंने कैपिटल आर मान लिया, यस आर नो, कितना करंट फ्लो कर रहा है आई आर है ना, कुछ भी बोल लेते हैं आई प्लस टू आई वन करंट है अभी इंटू आर, समझ में आया,
हो गया, और इतना हो गया कि नहीं हो गया? क्या हुआ, कुछ हो रहा? अभी तक कुछ आंसर आ रहा है कहीं पे? अभी तक आंसर नहीं हो रहे, अभी क्यों नहीं हो रहे? दिक्कत क्या रहेगी इसमें? आई वन का वैल्यू मेरे पास नहीं है, अभी प्रॉब्लम आएगी तो और लूप बनाओ फिर भाई, तीन लूप बनाने पड़ेंगे, तीन वेरिएबल तीन लूप बनाओ भाई, एक और लूप बनाओ। हाँ गलती होगी अब तो ठीक करनी पड़ेगी, गलती हो दोबारा ठीक बनाऊंगा उसकी मैं। एक और लूप बनाओ भाई क्लास, मर्जी से बताओ कौन सा लूप बनाए, बताओ ये कौन सी इक्वेशन बनाओ, बताओ थर्ड इक्वेशन भी। तो एक सिंपल सा लूप और बना लेते हैं भाई, रब कर दें इसको, पजल नहीं हुई, हो गया इतना तीन ये पॉइंट बन गए, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? अब तक है? एक और लूप बनाते हैं, चलो लिखिए इन द लूप, कौन सा है? ए डी ई ए, दिख रहा भाई सबसे आसान लूप है ये, ए डी ई ए सबसे आसान लूप है यही है। बैटरी दोबारा लेते हैं इंक्लूड करके, अब तो काट देंगे ई को हम लोग वहाँ से, कितना आएगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई? यहाँ से भी कितना करंट फ्लो कर रहा है? आई आर, सिंपल है भाई, यहाँ से माई काट सकता हूँ, यस और नो? बैटरी प्लस की माइनस की? कुछ भी बना लेते हैं, हाँ भर लिया कुछ भी। पहले बैटरी कितना आएगा? माइनस ई प्लस आई आर इक्वल टू जीरो, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई? ठीक है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ ई? आई आर, कौन सी इक्वेशन है? फोर्थ, लिखिए फ्रॉम थ्री एंड फोर्थ, एक हर रोज क्या नोटिंग चलती रहती है भाई, एक बार लिखो उसके बाद करेंगे। कौन से करंट, कौन से लूप में? अभी ए डी ई में कौन सा करंट जा रहा है? ये भी तो है ना, हाँ रेजिस्टेंस कहाँ है इसके पास? रेजिस्टेंस एंड रिस्पेक्टिव करंट, इसमें है रेजिस्टेंस कहीं पे? तो करंट का कैसे काउंट करोगे इसको आप लोग? आपको वही रेजिस्टेंस लेना जहाँ से करंट फ्लो करता है, इस पर रेजिस्टेंस ही नहीं है भाई, इसमें तो यहाँ पे जुड़ा हुआ है, नहीं समझ में आई बात है? तो कितना हुआ? इज इक्वल टू आई आर, लिखिए फ्रॉम थ्री एंड फोर्थ, फ्रॉम थ्री एंड फोर्थ, रब कर दें। थर्ड और फोर्थ को देखो भाई, दोनों का लेफ्ट बराबर है, यस और नो? तो राइट बराबर होनी चाहिए, कितना आंसर भाई, कितना आंसर? आई आर बराबर है किसके भी? आई प्लस टू आई वन इंटू आर, यही है, यस और नो? तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? पुटिंग द वैल्यूज ऑफ आई वन भी, या आई की वैल्यू पुट करो, आई की कर लो, आई की वैल्यू कितनी है? कितना है? 14/5 आई वन, आर इज इक्वल टू 14/5 आई वन प्लस टू आई वन इंटू आर वी, सही है? तो यहाँ पे 14/5 आई वन इंटू आर कितना हो गया? 4 × 10 = 5 × 10 = 10 और कितने का 24/5 आई वन इंटू आर, आई वन से आई वन, अरे तो कल ही गया था ना भाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर भाई? ठीक है, कितना वैल्यू होगा आर का भी? आ गया आंसर है, आई वन तो काट दिया हम लोगों ने, कितना हो गया? 14/5 इंटू 5/24 आर, ठीक है, कितना आंसर हुआ? आर इज इक्वल टू 14/24 आर, हाँ चेक कर लेते हैं बुक में से एक बार, 11 इक्वल वायर ईच ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम, ईच ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम फॉर्म द एजिज ऑफ इनकम्प्लीट क्यूब, फॉर्म द एजिज ऑफ इनकम्प्लीट क्यूब, ओके फाइंड द
फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस फ्रॉम वन एंड टू, वन एंड ऑफ द वैकेंट एज टू, वन एंड ऑफ द वैकेंट एज टू अनदर एंड ऑफ सेम एज, अनदर एंड ऑफ सेम एज। ये चीज़ याद रखिए, इसमें डायग्राम नहीं देते भी आपको, डायग्राम खुद बनाना पड़ता है, ठीक है। तो हमारे पास कितने रेजिस्टेंस हैं भाई? 11 है, अब तक एग्जाम्पल में 12 रेजिस्टेंस आते हैं, ठीक है। तो एक क्यूब बनाते हैं भाई, जिसमें 11 साइड होंगे भी, बनता है क्यूब कोई? 12 होते हैं भाई। ये इनकम्प्लीट क्यूब है, सही है। किसको टाइम डस्टर कहाँ गया? इसको उठा दूँ सर, किसी को भी उठा सकते हैं, मर्जी है। ये इनकम्प्लीट क्यूब है, वो तो है। यस और नो? ये यहाँ पे जोड़ेंगे बैटरी को भी, इनके बीच में निकालना हमको, ओके। बातें नहीं, नाम वही देंगे भी जो बुक में है, ए बी सी डी, यहाँ पे है के एच जी एफ, ओके। बैटरी का कुछ वैल्यू नहीं रखा, बस बाकी चीज़ें वही हैं जो हम यूज़ करते हैं, हो गया अभी इतना। हमारे पास एक इनकम्प्लीट क्यूब है, इसमें 11 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, आपको निकालना रेजिस्टेंस बिटवीन द इनकम्प्लीट क्यूब्स के एजेस के ऊपर भी, ए और के बीच में रेजिस्टेंस कितना है ये निकालना है। तो बैटरी से करंट जाएगा भाई? यस और नो? वापस करंट आएगा? करंट जाएगा, कैसे जाएगा बताओ? दो बार कन्वर्टर है तो आसान बन गया, तो टू आई ले लूँ इसको, सही है कि नहीं है? तो यहाँ पे कितना, यहाँ पे कितना आई, फिर बट गया तो वही आगे, चलो आई जा रहा है, इसको ले लेते हैं आई वन भी, लेना तो पड़ेगा भाई। ये कितना बचा? आई माइनस ए आई वन, ओके। यस सर ना? सेम ये बट रहा है, इसको भी आई वन लेना पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा, और तो तरीका ही नहीं कुछ करने का। आई आई टू मत लो भाई, जितने ज़्यादा वेरिएबल बनाओगे ना उतना दिक्कत आएगा भाई। इतना रेजिस्टेंस में फ्लो कर रहा है, सेम कंडीशन यहाँ पे हो रही है, देखिए यहाँ पे आई जा रहा है, सेम यहाँ पे हो रही है, तो सेम इक्वल रेजिस्टेंस है, तो सेम तरीके से बटेगा करंट। यहाँ पे कितना जाएगा? यह आई वन है भाई, इट इज़ आई वन। कितना जाएगा यहाँ पे? आई माइनस आई वन, सही है भाई। अब यहाँ से आई माइनस आई वन, यहाँ से आई माइनस आई, इसके पास कितना गया? टू आई माइनस आई वन, एनी प्रॉब्लम भाई? क्या सर ना? ये करंट यहाँ पे जा रहा है, फिर दो भाग में बट गया अभी, कितना आई माइनस आई वन और यहाँ पे आई माइनस आई वन, सही है। यहाँ से आई माइनस आई वन, यहाँ से आई वन, कितना बचा? आई, ओके। यहाँ से आई माइनस आई वन, यहाँ से आई वन, मिल के आई, आई यहाँ से, आई यहाँ से, टू आई। समझ में आया कि नहीं आया भाई? कर पाओगे? कितने वेरिएबल हैं? दो ही हैं, आई और आई वन, उसके हिसाब से निकाल लेंगे आंसर हम लोग। लास्ट दो वेरिएबल हैं, दो लोग बनाओ। एक तो ये, इसमें बहुत कुछ हो रहा है, इसमें भी देखो है ना, आई माइनस आई वन, ये ले लेते हैं। एक तो इन द लूप, कौन सा लूप है? सी डी एफ जी, सही है। सी डी एफ जी सी, सी डी एफ जी सी, इसमें कोई बैटरी जुड़ी हुई है भाई? बैटरी का रोल ही ख़त्म हो गया, यहाँ से हो जाएगा अभी। सी सी डी जाएंगे तो टू इन टू आई माइनस आई वन भाई, प्लस की माइनस भी, साथ में रेजिस्टेंस टू लिख रहा हूँ भी, हर एक का भी टू ओम है ना, हर एक का रेजिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक टू आई वन,
प्लस यहाँ से यहाँ तक हुए माइनस टू आई माइनस आई वन, और यहाँ से यहाँ तक भी माइनस टू आई माइनस आई वन, फोर कर दूँ सही है इक्वल टू जीरो भी सही लिखा है। एक बार चेक करो भी इसको अच्छे से, सी से डी टू इंटू आई माइनस आई वन, डी से एफ टू इंटू आई वन, टू इंटू आई माइनस आई वन माइनस का, और यहाँ पे माइनस फोर आई माइनस आई वन। सॉल्व करो इस इक्वेशन को एक बार, कितना आएगा माइनस टू आई प्लस टू आई वन प्लस टू आई वन माइनस टू आई प्लस टू आई वन माइनस फोर आई माइनस फोर प्लस हो गया फोर आई वन इक्वल टू जीरो। चेक करो भाई कितना हो गया वैल्यूज, दस कितना दस भाई टेन आई वन माइनस एट आई इक्वल टू ढंग से करना, देखा नहीं अभी तक मैंने, यही हुआ पक्का तो फाइंड द एक क्वेश्चन निकाल लो, आई निकालो आई वन निकालो, कौन सा निकाले आई आई वन निकाल लो, कितना वैल्यू आएगा आई वन इज इक्वल टू एट बाई टेन आई यानी फोर बाई फाइव आई, आई वन का वैल्यू कितना आया फोर बाई फाइव आई सही है। हो गया एक तो लूप कंप्लीट भाई, अब सेकंड करते हैं इन द लूप, एक बैटरी वाला ले लेते हैं बैटरी वाला लूप सिंपल सा, कौन सा भाई ए बी एच के ई ए, ये ई है भाई ए बी एच के ई ए। ओके पहले बैटरी चेक करो प्लस की माइनस की भी माइनस या ई, यहाँ से करंट गया I तो कितना हो गया प्लस का कि माइनस का 2I, यहाँ से प्लस 2I1, यहाँ से प्लस 2I इक्वल टू जीरो। देखो एक बार जल्दी से यही होगा कितना हो गया माइनस ई प्लस 4I प्लस 2I1 इक्वल टू जीरो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 भी पुट कर दें तो माइनस ई प्लस फोर आई प्लस टू इंटू एट बाई टेन सॉरी फोर बाई फाइव कर लेते हैं फोर बाई फाइव आई आई है इक्वल टू जीरो। तो व्हाट द वैल्यू ऑफ ई, ई को इस तरह ले जाऊँ भाई प्लस ही हो जाएगी तो ई का वैल्यू कितना होगा भाई ई इज इक्वल टू कितना हुआ एट हो गया पाँचों का बीस तो कितना हुआ अट्ठाईस बटे पाँच आई यही होगा ना भाई अट्ठाईस बटे पाँच आई इट इज इक्वेशन सेकंड। वो बनाई मैंने इक्वेशन तो कोई मैंने फर्स्ट ही बना लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट में एनी प्रॉब्लम भाई मैंने पुट कर दिया वैल्यू ऑफ आई वन निकाला हुआ पहले से उससे मान लेते हैं भाई रेजिस्टेंस कितना है रब कर दें इसको इतने को हो गया रेजिस्टेंस कुछ मान लो लिखिए लेट आर इज द टोटल रेजिस्टेंस भी टोटल रेजिस्टेंस ये निकालना है इसके अकॉर्डिंग ई कितना आएगा भाई कितना करंट फ्लो कर रहा है टोटल करंट कितना है टू आई इंटू आर इक्वेशन सेकंड सही है लिखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड भी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का लेफ्ट बराबर है राइट बराबर कीजिए क्या निकालना हमको आर निकलना ना तो 2i r बराबर कितना 28 बाई फाइव आई भी आई से आई काटे r इज इक्वल टू कितना भाई 14 बाई फाइव ओम भी 14 बाई फाइव समझ में आया कंप्लीट।